Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होते हुए सिबड़ी बेलापुर स्थित नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह के हाथों ध्वजारोहण कर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जहां नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, विभिन्न पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने शूरवीरों का नमन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बिपिन कुमार सिंह ने इस दौरान आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस जवानों और वीरों को नमन करते हुए कहा कि आज भारत की ताकत इसकी एकता है और आज समय आ चुका है कि इस एकता की ताकत का परिचय दुनिया को करवाकर श्रेष्ठ भारत और सैन्य दल से मजबूत भारत का दुनिया को पैगाम दिया जाए। इस आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में जहां सभी ऊर्जा से लबरेज नजर आ रहे थे, तो वहीं देशभक्ति के जज्बात भी सभी के चेहरे और दिलों में नजर आ रहे थे। इस दौरान नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। जिन बहादुर जवानों का सम्मान किया गया उनमें शामिल थे कुबखेड़े पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक राज रत्न खैरनार, जिन्हें गढ़चिरौली जैसे दुर्गम भागों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रपति शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है, वाशी पुलिस थाने के अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रमोद भास्कर राव तोड़मल, जिन्हें गुणात्मक अन्वेषण सर्वोत्कृष्ट प्रयास के लिए केंद्र गृह मंत्री पदक 2022 से सम्मानित किया गया है, जिन्हें बिपिन कुमार सिंह के हाथों ये सम्मान दिया गया। अपराध शाखा विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक रानी काले, जिन्हें गुणात्मक अन्वेषण के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रयास हेतु केंद्र गृह मंत्री पदक 2022 से सम्मानित किया गया। भानु दास खटावकर, जिन्हें पुलिस महासंचालक के सम्मान चिन्ह व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने सभी को मिलकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए बिपिन कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरा देश आजादी के जश्न से सराबोर है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस आयुक्तालय द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पुलिस विभाग भी इस आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाकर एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा है। सर्वप्रथम ही आज अपन आजादी या वर्षीय अमृत महोत्सव साजर करत आहोत आणि मी माझ्या तर्फे माझ्या पुलिस आयुक्तालयातर्फे सर्व अधिकारी कर्मचारी सर्वांतर्फे सर्व नवी मुंबईकरांना आपल्या सर्वांना या अमृत महोत्सवाची आजादीच्या अमृत महोत्सवाची खूप खूप शुभेच्छा देतो। सर्वांचे अभिनंदन आणि हा जे आपण यावर्षी साजरा करत आहोत अमृत महोत्सव, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं ते आपल्या बरेचसे उपक्रम आपल्या नवी मुंबई आयुक्तालयातर्फे आपण चालू केलेले आहेत आणि त्याची कारवाई चालू आहे। आपण कालच पाहिलं ते पण चांगलं एक मॅरेथॉन 10 किलोमीटरची मुंबई पोलीस आणि नवी मुंबईचे जनते आणि नगरपालिका मिळून आपण चांगलं एक मॅरेथॉन केलं होतं। असं बरेच उपक्रम आम्ही यासाठी आजादीच्या अमृत महोत्सवासाठी आपण या ठिकाणी राबवत आहोत आणि सर्वांचे चांगले प्रसाद मिळत आहेत। मी सर्व नवी मुंबईकरांचे आभारी आहोत माझ्यातर्फे आणि त्यातर्फे परत एकदा सर्वांना हे 70वा आजादीचे जो दिवस आहे अमृत महोत्सव सर्वांना याची शुभेच्छा मनपूर्वक सर्वांचे अभिनंदन करतो। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।